बरवाला के सीबीसी स्कूल में आज एक मेडिकल प्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये प्री मेडिकल कैंप श्री रिसाल सिंह धर्मार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है और इस प्रकार के जो कैंप है रणधीर सिंह धीरू जो कि पहले भी काफ़ी लगा चुके हैं और आज का जो ये कैंप लगाया जा रहा है इसमें आँखों की जाँच स्वास्थ्य संबंधित वो जानकारियाँ जो है इसके अलावा जांच शिविर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। चलिए आज बातचीत कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको इस प्री मेडिकल कैंप की वो सारी तस्वीरें। एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, इसमें किस प्रकार की जांच जो है वो की गई है और कितनी ओपीडी की बात करते हो जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और जितने के जितने आपके दर्शक हैं उनको भी मैं मेरी तरफ से नमस्कार करता हूं। आज ये श्री रिसाल सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा विशाल फरी आँखों का ऑपरेशन और चेकअप कैंप लगाया गया है। इसके अलावा जो मेडिकल की अन्य किसी भी प्रकार की वो हैं वो सुविधाएं भी इसके अंदर दी गई हैं। आज ये हमने बरवाला शहर के अंदर इस प्रकार की प्लानिंग की है कि चार पांच जगह पे हम ये कैंप लगाएंगे। बरवाला में वार्ड नंबर 6, 7 और 8 का ये एरिया हमने आज सीबीसी स्कूल के अंदर लिया है। इसके बाद जो अगला कैंप लगाने जा रहे हम उसको सैनी धर्मशाला में हम लगाने जा रहे हैं, उसमें वार्ड नंबर 4, 5 और 9 का हिस्सा उसमें रहेगा। उसके बाद जो अगला कैंप हम लगाएंगे वो दौलतपुर चौक पे लगाना चाह रहे हैं, जैसे पंजाबी धर्मशाला होगी या कोई ना कोई इस प्रकार का हम स्थान देख रहे हैं, उसमें वार्ड नंबर 18, 19 और 1। इसी प्रकार फिर वार्ड नंबर 15, 16, 17 ये लेकिन फिर जैसे वार्ड नंबर 2, 3 और ये रह गया। इस प्रकार का हमने एक पूरा का पूरा बरवाला में वो सर्कल बना लिया है। अलग अलग जगह पे हम 3-3, 4-4 वार्डों का ज्वाइंट करके ये कैंप लगाने जा रहे हैं। इसके अंदर आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे डॉक्टर पुनीत गोयल जी थे जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, और इसमें सेवाएं थी जो डॉक्टर अमन है अपने जनता हॉस्पिटल से, डॉक्टर प्रियंका है वो भी जनता हॉस्पिटल से ही है, डॉक्टर रमन है वो फिजियोथेरेपी के थे, और डॉक्टर रणजीत बेनीवाल जी है वो आँखों के थे। इसके अंदर इन डॉक्टरों की सेवाएं थी। उसके अलावा लैब की सेवाएं थी वो शिव कुमार कौशिक जी हैं जो शिवा लैब के नाम से हैं, वो चाहे शुगर की जांच की बात है चाहे ब्लड जांच की बात है और ईसीजी की बात है, वो सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर रही हैं। उद्देश्य क्या है सर इस प्रकार के कैंप जो है कई आप लगा चुके हैं? उद्देश्य मेरे फादर साहब के नाम से हमने एक ये धर्मार्थ ट्रस्ट बना रखी है, श्री रिसाल सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट है। उसके माध्यम से हमारा ये है कि भाई पूरे बरवाला अक्षेत्र के अंदर जो हम देख रहे हैं कि मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो बहुत सारा जो तबका है वो ज़रूरतमंद है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक ज़रूरतमंद लोग तक ये सुविधाएँ ज़रूर पहुँचें। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं माताएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, नज़दीक जाकर हम उनको हमारा प्रयास है कि उनके घर तक हम मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने का काम करें। देखो बड़े लेवल की जो अपा जांच की बात करें वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड की बात है उसमें ऑपरेशन के और बड़े बड़े इलाज उसके अंदर हो जाते हैं। इसी प्रकार हरियाणा सरकार ने मनोहर सरकार ने जो चिरायु की बात है वो उसके अंदर भी 3 लाख आमदनी तक के लोग उन्होंने उसमें ले लिए।
कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटी मोटी चेकअप की बात आ गई या आंखों के ऑपरेशन की बात आ गई या और मेडिकल की इस प्रकार की सुविधाएं हैं, हम समय समय पर चेक नहीं करवा पाते। हमारा प्रयास है कि उन लोगों तक, हम उनके घर तक, द्वार तक पहुंच के ये मेडिकल की सुविधाएं वहां तक पहुंचाने का काम करें, इस उद्देश्य से हम लगे हुए हैं। इसके अलावा भी जो हमारी ट्रस्ट है, वो हमारी ट्रस्ट समय समय पे इस प्रकार के और अन्य कैंप भी लगाती है। अब जैसे पीछे 12 मार्च को हमने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा था, प्रतिभा सम्मान समारोह के अंदर सैकड़ों बच्चों को हमने सम्मानित करने का काम किया था। बहुत सारे ऐसे योग्य बच्चे हैं जो अनेक प्रकार की जिनकी प्रतिभा है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या किसी अन्य कृषि के क्षेत्र में हो, या किसी अन्य क्षेत्र में हो, उन लोगों को जब एक ही प्रकार का मंच मिल जाता है तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है, तो उसका मनोबल और ज्यादा बढ़ता है। तो इस उद्देश्य से हमने ये एक सामाजिक संस्था चला रखी है ताकि उन लोगों को कोई ना कोई प्रोत्साहित करे, और प्रोत्साहन के बहाने फिर वो लोग अगली बार जो काम करें वो उससे अच्छा प्रदर्शन वो कर पाते हैं। इस उद्देश्य से हम ये इस संस्था में लगे हुए हैं। ये जो कैंप हैं बरवाड़ा शहर में ही लगाए जाएंगे या आसपास के गांव में भी कोई योजना? ये अकेला बरवाड़ा शहर नहीं है, पीछे हमने अपने मिलगेट क्षेत्र में लगाया था। मिलगेट क्षेत्र में भी उस दिन 350-400 के करीब थी और 26 आंखों के ऑपरेशन वहां से निकल के आए थे, वो ऑपरेशन करवाने का काम हमने किया है। हमने ये है कि भाई अकेला बरवाड़ा शहर नहीं है, अब जो अगला हमारा टारगेट है ये है कि भाई बरवाड़ा शहर में ये करने के बाद प्रत्येक गांव तक हम ये मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे वो बरवाड़ा की सराउंडिंग के 40-50 किलोमीटर का एरिया हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई वहाँ तक का इस प्रकार का ये क्षेत्र बगैर किसी भी प्रकार की सुविधा के ना रहे।